जी हाँ, ये है इंजन के भीतर की संरचना। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर आपने शोले फिल्म देखी हो तो शोले फिल्म में जब धर्मेंद्र जो है वो इसको खींचता है तेजी के साथ, जब वो डाकुओं को मार डालता है और फिर तेजी से खींचता है और बहुत ही खुश होते हैं वो, तो आपको वो सीन याद आ जाएगा। तो इसमें तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका अपना अपना काम है। जैसे कि इसके अंदर स्टीम बनती है तो इसमें ये शो करता है इंडिकेटर कि स्टीम जो है वो कितनी होनी चाहिए इसको चलाने के लिए। तो सबसे पहले जब ये बनाया गया होगा इंजन, तो ज़रा सोचिए कि कितना अचंभे की बात लगी होगी कि स्टीम से यानी कि भाप से, भाप के अंदर इतनी ताकत हो सकती है, इतनी पावर हो सकती है कि वो इतनी बड़ी मशीन को चलाए और इसके साथ कई डब्बे जो जुड़े उस सबको खींच सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच थी। और इसके मैं पीछे भी दिखाना चाहूँगा, ये चैम्बर है इसका पीछे का, जिसके अंदर की कोयले को स्टोर किया जाता है और यहाँ से कोयला उठा करके इसके अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर ये आग जलाई जाती है और फिर यहाँ से स्टीम बनती है।